हरियाणा के फतेहाबाद के एक युवा ने यूपीएससी परीक्षा में 759वां रैंक हासिल किया है। 28 वर्षीय युवक भारत भूषण फिलहाल फतेहाबाद में नायब तहसीलदार के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। भारत भूषण ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों और विषम आर्थिक हालातों के बावजूद उनके परिवार वालों ने न केवल उनको प्रोत्साहित किया बल्कि हालातों से जूझकर उनकी पढ़ाई और कोचिंग का प्रबंध भी करवाया। इससे पहले भी 3 बार वे यूपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं मगर इस बार पूरी मेहनत करके एग्जाम को क्लियर किया है। उन्होंने बताया कि जब यूपीएससी की परीक्षाएं होनी थी उस वक्त वह नायब तहसीलदार के पद पर सेवाएं दे रहे थे, साथ ही वह अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे थे मगर उन्होंने अपना हौसला नहीं गिरने दिया और पूरी लगन से तैयारी की। उन्होंने बताया कि परिवार के आर्थिक हालात भी उस वक्त बहुत अच्छे नहीं थे। उनके पिता का असमय देहांत हो गया, माँ ने सिलाई का काम कर और भाई ने नौकरी करते हुए घर चलाने के साथ साथ उनकी पढ़ाई कोचिंग की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि पूरे परिवार के सहयोग और आशीर्वाद से वह प्रतियोगी परीक्षा में अपना स्थान बना पाए हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है और एक सपना था हमारा, होली पीडीएफ बोला जाता है आईएएस के एग्ज़ाम के, जो पीडीएफ होता है जिसमें रिजल्ट आता है उसमें लिस्ट में अपना नाम पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे परिवार वालों का सपना पूरा हुआ है, मेरा सपना पूरा हुआ है। जिस तरह रिजल्ट आया तो सर आपका कौन सा इसमें रैंक आया है जी? मेरा इसमें 759 रैंक आया है और काफ़ी प्रयास किया था लेकिन मैं उसी समय मेरी नायब तहसीलदार की ज्वाइनिंग थी और साथ में HCS का इंटरव्यू भी था तो काफ़ी एग्ज़ाम्स एक साथ आ गए थे तो मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने आखिरी टाइम पे मेहनत करके रैंक निकाली, कोशिश की मैंने कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। तो आईएएस के जिस तरह आपके एग्जाम हुए हैं तो इससे पहले आप कितनी बार प्रयास कर चुके हैं या पहली बार में ही आपका आईएएस का जो टेस्ट था वो क्लियर हो गया था? जी मैं 4 बार प्रयास कर चुका हूँ इससे पहले और लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन इंटरव्यू में और कुछ एक दो और सब्जेक्ट्स में स्कोर कम होने की वजह से मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया था। तो जिस तरह आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे सर, तो परिवार के अन्य सदस्यों का इस आईएएस की तैयारी में कितना भागीदारी रही है और आप किसका सहयोग इसमें मानते हैं? जी देखिए, परिवार के हर सदस्य का कोई ना कोई महत्वपूर्ण रोल रहा है जिसमें मेरे पिताजी जो कि अब हमारे साथ नहीं हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा था। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को दरकिनार करते हुए अपना पूरा हमको सपोर्ट किया, साथ में मेरी माताजी ने जो कि सिलाई का काम करती थी और पिताजी के जाने के बाद भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। मेरा भाई जिसने मुझे बोला कि आप तैयारी कीजिए, मैं नौकरी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, तो उन्होंने मुझे लगातार सपोर्ट किया। मेरी बहन और मेरे जिया जी, इन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया एजुकेशन में, किताबें खरीदने के लिए या किसी और तरह की कोचिंग के लिए या कहीं पे भी जहां मुझे आने जाने में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने बहुत सहयोग किया। तो आपके पास नायब तहसीलदार फतेहाबाद की अच्छी पोस्टिंग थी जी सर, आईएएस में जाने का क्या ड्रीम था आपका? देखिए, हर आदमी के अंदर एक पोटेंशियलिटी होती है तो मैं भी मानता हूँ कि मेरे अंदर भी एक पोटेंशियलिटी थी जिसको मुझे एक्चुलाइज करना था और नायब तहसीलदार के रहते हुए कि हम हमारे पास एक दायरा होता है जिन सीमाओं में रह के हम सर्विस कर सकते हैं और जैसे जैसे हम बड़ी सर्विस में जाएंगे तो समाज को सर्व करने का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। तो मेरा यही मानना था कि मैं एक बड़े अधिकारी की पोस्ट पर जाऊं ताकि मैं समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरीके से सर्व कर सकूं, हर डोमेन के अंदर, एजुकेशन हो, पावर्टी हो या और भी कोई महिला से वुमेन एम्पावरमेंट से कोई रिलेटेड इशू हो उनमें काम कर सकूं। इसलिए मेरा सपना था कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम दूँ। तो नायब तहसीलदार की आपके पास पोस्टिंग थी, इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का काम होता है जी, 8 से 10 घंटे आप पब्लिक डीलिंग का काम करते थे जी, उसके अलावा आईएएस की पढ़ाई के लिए आप कितना टाइम देते थे? जी आईएएस की पढ़ाई के लिए जब मैं पोस्टिंग पे नहीं था उस टाइम जैसे अलग अलग समय रहता है, जैसे कि इंटरव्यू के टाइम पे मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली थी तो उस टाइम पे मैं 15 से 16 घंटे या 17 घंटे पढ़ाई करता था और मेंस के टाइम पे जब मैंने छुट्टी ली थी तो उस टाइम पे भी मैं 18 घंटे 17 घंटे ऐसे पढ़ता था लेकिन जब मैं नायब तहसीलदार जब यहाँ पे रहता था तो 3-4 घंटे सुबह शाम ऐसे निकाल देता, कभी 2 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, इस तरह से 4-5 घंटे निकल जाते थे। तो आईएएस की पढ़ाई जिस तरह आपने की
पढ़ाई के दौरान आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परिवार में इसमें कितना सब्र आया? दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं, लेकिन जब परिवार ऐसा होता है जहाँ पे आपके पास हर तरह का सपोर्ट मैकेनिज्म हो, हर तरीके से हर किसी ने जितनी भी मदद हो सकती थी उसने मेरी मदद की, क्योंकि मेरे परिवार में सबका एक सपना था कि हम मजदूरों के परिवार में से कोई ऑफिसर निकले। और जब मैं नायब तहसीलदार बना तो इनका विश्वास और बढ़ गया कि हाँ शायद ये कर सकता है, तो फिर सपोर्ट मैकेनिज्म मेरा और रोबस्ट हो गया, और इसके चलते सारी दिक्कतों के होने के बावजूद भी सब लोग मेरे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग आगे। फैमिली के बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरह की दिक्कतें परिवार ने आपको पढ़ाने के लिए सहन की है? देखिए, मैं ये बात बार बार कहता हूँ अपने परिवार वालों से कि मैंने कोई दिक्कत सहन नहीं की, लेकिन मेरे परिवार वालों ने बहुत दिक्कतें सहन की हैं। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे जो कि साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, और मम्मी जो है मेरी वो टेलरिंग करती थी, सिलाई करती थी, सुबह से शाम तक सूट सिलती थी। लेकिन मुझे कभी उन्होंने ये महसूस होने नहीं दिया कि आपके पास प्रॉब्लम है। मुझे जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो इन्होंने अपना पेट काट कर या अपना हर चीज़ इन्होंने सेक्रीफाइस करके मेरी मदद की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ी। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे परिवार वालों ने बहुत दुख झेले होंगे, लेकिन आज उनका सपना भी पूरा हुआ है और मेरा सपना भी है कि मैं भी और अच्छी रैंक पाऊँ आगे और प्रयास करता रहूँ। तो आप छोटी सी उम्र में आपने एक ऐसा मुकाम हासिल किया IAS, जिसके लिए युवा लाइन में लगे रहते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो जो अन्य युवा हैं हमारे वर्ग है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता, और जैसा कि एक कविता में भी कहा गया है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मैंने बहुत हार का सामना किया है, मैं निरंतर गिरा हूँ संभला हूँ, तो आप बस प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। भारत भूषण की इस कामयाबी पर पारिवारिक सदस्यों ने भी खुशी का इजहार किया है। बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमने मैं बड़ी मुश्किल से ये मतलब दिन देखे हैं। तो आप एक मिडिल परिवार से हैं, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा इनको बनाने के लिए? बस जी, सामना तो यही है, इसके पापा मजदूरी करते थे, साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, मैं सिलाई करती थी। मैंने कहा भाई तुम पढ़ो, हम जैसे भी करेंगे तुम पढ़ाएंगे तुमको। मैं जी यही कहूँगी कि बच्चे जो भी जिसके भी हैं जैसे भी हैं उनको माँ बाप ने पढ़ाना चाहिए। कितनी भी मुश्किल हो अपने बच्चों ने पढ़ाओ तो ये आगे बढ़ेंगे और सब कुछ करेंगे। मैंने बहुत मतलब ये सिलाई करके इनके पापा ने कपड़ा बेच के, चार बच्चे थे मेरे, ये मैंने सारे पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से। मैंने कहा ये, इसने बोला कि बीच में कि मैं नौकरी करूँगा, इसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, उनके कैंसर थी, तो मैंने जैसे भी वो हमारे बीच नहीं रहे तो मैंने कहा इनसे भाई तुम पढ़ो, ये बेटा छोटे वाला नौकरी कर रहा था, मैं ये पढ़ाएगा तो मैं भी मेहनत करूँगी। आज इन्होंने आपका सपना पूरा कर दिया। हाँ, तो आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं अभी? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही है, आज मैंने बहुत खुशी हो रही है। जो आपने सोचा उस काम सपने को, मेरा बेटा ने आज वो सपना पूरा कर दिखाया। मैं क्या, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको हार्ड वर्क करते हुए, काफ़ी सारी क्राइसिस को फेस कर रहा है ये, और उसके बाद भी गिर के भी संभल के आज इस मुकाम पर हासिल हुआ है। पहले नायब तहसीलदार, अब उसके बाद UPSC में सिलेक्शन होना, वी आर फीलिंग रियली वेरी ग्रेट। तो इनकी पढ़ाई में, आप बड़ी सिस्टर हैं तो बताएंगे परिवार को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? ये एक्चुअली बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट था, तो मेरे पापा जो थे वो काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, हमारा जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मम्मी सिलाई करती थी, पापा कपड़ा बेचते थे गलियों में सारा दिन साइकिल पे। उसके बाद हम चार बहन भाई थे, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है, दो भाई हैं। लेकिन इन्होंने हमारे एजुकेशन को लेके कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम बस स्टॉप करो। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd MEd की हुई हूँ, साथ में छोटी बहन भी पोस्ट ग्रेजुएट है, भाई छोटे वाला है जो सबसे छोटे वाला, उसने BTech की NIT से, और ये खुद IIT खड़गपुर से पास आउट है। तो हमारा सबका सपना था ये IAS बने, तो भैया अच्छा लग रहा है। तो जो आपने सपना देखा था आज उन्होंने पूरा कर दिया, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। सुबह से इसके लिए कॉल आ रहे हैं, सभी लोग
कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।